इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सुराखों और दरारों को लकड़ी के बुरादे और वुड फिलर के साथ कैसे भरा जाता है। चरण पहला, लकड़ी के बुरादे के साथ भरें। बुरादे के साथ फिलिंग बनाने के लिए बेकार लकड़ी के ऊपर एडहेसिव की थोड़ी मात्रा निकालें। इसमें थोड़ा बुरादा डालें और पत्ती की सहायता से अच्छे से मिलाएं। लकड़ी का बुरादा महीन होना चाहिए। जिस लकड़ी को आप ठीक कर रहे हैं, उसी लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करना उचित होता है। तब तक मिलाएं जब तक रंग एक समान न हो और मिश्रण लगभग लकड़ी के रंग जैसा न बन जाए। गांठ से बने सुराख, दरार या सुराख में मिश्रण भरे और इसके सूखने से पहले फालतू मिश्रण को तुरंत पोंछ दे। 3 से 4 घंटों के लिए इसे सूखने दे। अब आप इसे साधारण ब्लेड की सहायता से समतल कर सकते हैं। आप शेविंग ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एडहेसिव में थोड़ा प्लास्टिक होता है और इसे रेगमाल से घिसना कठिन हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक एडहेसिव का प्रयोग न करना बेहतर होता है। रेगमाल की सहायता से उस हिस्से को हल्के से साफ करें। चरण दूसरा, वुड फिलर के साथ भरें। आप ऐसी लकड़ी के सुराखों को भरने के लिए वुड फिलर का भी प्रयोग कर सकते हैं जिस पर आप अंत में पेंट करेंगे। ऐसे वुड फिलर का चुनाव करें जो लकड़ी के रंग के साथ मेल खाता हो। निर्देशों के अनुसार वुड फिलर मिलाएं। यहाँ पर हम रेजिन और हार्डनर की समान मात्रा मिलाएंगे। थोड़ा बुरादा डालें और पत्ती की सहायता से अच्छे से मिलाएं। सुराख या दरार में फिलर भरें। कुछ घंटों के लिए इसे सूखने दें। पत्ती की सहायता से फालतू फिलर को साफ करें। ऊपर से बुरादे को ब्रश की सहायता से साफ करें। फिलर के ऊपर थोड़ा बुरादा डालें ताकि यह जल्दी सूख सके। जहां पर वुड फिलर बहुत अधिक बाहर निकल रहा है, वहां आप इसे चौरसी की सहायता से निकाल सकते हैं। लकड़ी को रंदा लगाकर फिनिश करें। अब आपने सफलतापूर्वक सुराखों और दरारों को भरना सीख लिया है।